सो हाई फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जी जयपाल। एंड फ्रेंड्स, एज अ डॉक्टर मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें जॉइंट पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारी जो बोन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है आज के टाइम में जो इम्यूनिटी है वो एक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्राइम फैक्टर बन गया है, तो हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाता है, माइंड में डाइवर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है एंड साथ में हार्ट से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इनमें से कोई प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 एंड K2 की डेफिशिएंसी है एंड आपको किसी अच्छे सप्लीमेंट के अच्छे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो डेली विटामिन D3 और K2 की जो रिक्वायरमेंट है उसे आप फुलफिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में एक ऐसा ही प्रोडक्ट, एक ऐसा ही सप्लीमेंट है वो शेयर करने वाला हूं जो कि 100% सेफ है, उससे आपको कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट आपका ये ओजिव्या का विटामिन D3 एंड K2 सप्लीमेंट। आई नो फ्रेंड्स, यहां कुछ लोग कहेंगे कि हमें सप्लीमेंट है वो नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एंड आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है वो यूज किए गए। तो फ्रेंड्स, इस ओजिव्या के सप्लीमेंट में आपको विटामिन D3 एंड K2 मिलता है एंड फ्रेंड्स, आपको पता है कि विटामिन डी है जो कि आपका सनशाइन प्रोटीन भी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में कौन लोग जो कि सनरे के अंदर जाएंगे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? आई नो फ्रेंड्स, कोई नहीं जाता है क्योंकि इसके फायदे भी हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए सप्लीमेंट है एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है वो रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ इस प्रोडक्ट के रिव्यू, इसकी पैकेजिंग की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको 60 जिलेटिनस कैप्सूल मिलते हैं एंड ये 100% प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है। दैट मींस इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए जो कि आपकी विटामिन D3 एंड विटामिन K2 की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे वो सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं जो कि इसका एक बेस्ट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर यूज़ किया गया आपके कर्क्यूमिन लौंगा जिसे अपन कहते हैं टर्मरिक एंड साथ में इसमें यूज़ किया गया विथानिया सोमनीफेरा जिसे कहते हैं अश्वगंधा। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी उसको बहुत अच्छे से इंक्रीज करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ होने की जो संभावना है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं एंड साथ में ये प्रोडक्ट आपकी गट, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो इंटेस्टाइन की जो मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक जो कहावत चलती है कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी एंड साथ में इसके अंदर यूज़ किया गया आपके रोजमेरी एंड गिंको बायलोबा। तो फ्रेंड्स, ये रोजमेरी और गिंको बायलोबा विटामिन के की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं एंड ये जो आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको इंक्रीज करते हैं जिससे आपके जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम या आपके जो मेमोरी में जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर आपका माइंड शार्प होगा तो आपकी बॉडी, आपकी जो ओवरऑल बॉडी है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी। फ्रेंड्स, इन सब इंग्रेडिएंट के कारण ये एक प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है जो कि आप इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, इस कारण ये साइड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करता। साथ में फ्रेंड्स, ये 100% वेगन प्रोडक्ट है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट अवेलेबल होते हैं उनके अंदर जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं जो कि आपके विटामिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसके थ्रू अपन को जो विटामिंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं और जो एनिमल के थ्रू मिलते हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हाई क्वालिटी के जो विटामिंस हैं वो आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स, ये सोया फ्री है एंड आपको पता है सोया होता है जिसके अपन कहते हैं आइसोफ्लेवोन जो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो प्रोड्यूस करता है, कैंसर सेल की ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स, ये सोया फ्री भी है एंड साथ में ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन GMO है, मतलब इसमें इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए उनमें कोई जेनेटिकली कोई मॉडिफिकेशन है वो नहीं किया गया है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट है वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। इवन फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव है वो भी यूज़ नहीं किए गए। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अंदर आपको टोटल 60 कैप्सूल्स हैं वो मिलते हैं जो कि आपकी डेली जो विटामिन D3 एंड K2 की जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छे से पूरा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन D3 एंड विटामिन K2 का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वो यूज़ किया गया है। दोनों साथ मिलकर आपकी जो इम्यूनिटी उसको बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं, आपकी जो मेमोरी की शार्पनेस को बढ़ाते हैं, आपके डिप्रेशन को दूर करते हैं एंड ये आपकी जो गट की प्रॉब्लम, आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उससे प्रूवन है। एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर इसका बार कोड, इसका लाइसेंस है वो सब कुछ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे आप इसकी ऑथेंटिसिटी है उसका बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है एंड कितना ज़्यादा रियल है, तो आप इस पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं।
एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इस प्रोडक्ट के डोज की, आपको कितने कैप्सूल लेने चाहिए एंड आपको डेली कितने वाइटामिन D3 एंड K2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी एज है वो 18 से ज़्यादा है तो फ्रेंड्स आप ये प्रोडक्ट या सप्लीमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर बात करता हूँ कि कितना आपको ये कैप्सूल लेना चाहिए, तो आपको दिन के अंदर 2 कैप्सूल हैं वो लेनी चाहिए, जिससे इसे पर सर्विंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको दिन में 2 कैप्सूल लेने हैं, दैट मीन्स इसके अंदर टोटल 60 कैप्सूल आते हैं। तो आपके ये 1 मंथ का सप्लीमेंट रहता है, मीन्स आपके 1 महीने तक आपकी जो बॉडी के अंदर D3 और K2 की जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छे से फुलफिल करता है। तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर जो डेली वाइटामिन डी है उसकी रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 400 से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट तक रहती है। तो फ्रेंड्स 400 से लेके 800 मतलब वेरिएशन करता है कि यहाँ 400 से लेके 800 तक हमारी डोज चली जाती है। 70 से कम की एज के जो पर्सन है उनके लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इनफ है, एंड अगर 70 से ज़्यादा की एज हो जाती है फिर उसके लिए ये डोज है वो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट की जो आपकी डेली सर्विंग है, मतलब आप दिन में 2 कैप्सूल लेते हैं जिससे आपको अराउंड 400 इंटरनेशनल यूनिट के आसपास वाइटामिन डी एंड आपको 55 mcg मतलब माइक्रो ग्राम के आसपास आपको जो वाइटामिन K2 है उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देता है। दैट मीन्स आपकी जो डेली आपकी जो वाइटामिन डी और K2 की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को उसको बहुत अच्छे से ये फुलफिल कर देता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेनिफिट क्या है इन वाइटामिन D3 और वाइटामिन K2 के, हमारी बॉडी के अंदर इनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है एंड ये हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस करते हैं। तो फ्रेंड्स वाइटामिन D3 है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो फ्रेंड्स जो वाइटामिन D3 है वो आपके जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है या इनकी बोन बहुत ज़्यादा वीक है तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन होता है, हम जो डेली फूड लेते हैं उसके अंदर कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो फ्रेंड्स ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, साथ में दोनों मिलके मतलब कैल्शियम और विटामिन डी मिलके आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट के अंदर आपके बोन है उसकी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है आपकी बोन ग्रोथ के लिए, साथ में ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है एंड बॉडी के अंदर जो कोलेजन का जो प्रोडक्शन है उसको भी बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है। एंड फ्रेंड्स दूसरा जो कि हमारा आता है विटामिन K2 जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड से रिलेटेड है, इसलिए इसको ब्लड वाइटामिन है वो भी बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। तो फ्रेंड्स क्लॉटिंग से मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई अगर वूंड होता है तो उससे हमारा ब्लड है वो लॉस होता है, जितनी ज़्यादा क्लॉटिंग टाइम रहेगा जितना जल्दी जितना फास्ट क्लॉटिंग होगा तो ब्लड है वो उतना कम लॉस होगा और वूंड उतना जल्दी हील होगा। तो फ्रेंड्स ये क्लॉटिंग है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देता है, साथ में ये जो हार्ट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी सर्कुलेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स दोनों जो वाइटामिन है ये आपस में मिलकर बहुत अच्छा वर्क करता है हमारी बॉडी के लिए। एंड फ्रेंड्स ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, एंड फ्रेंड्स दोनों मिलकर हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो ब्लड होता है उसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होती है जिसके अंदर हमारी आती है लिम्फोसाइट्स, तो फ्रेंड्स ये जो लिम्फोसाइट्स होती है हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल और जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट फाइट करती है एंड हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। एंड फ्रेंड्स ये जो लिम्फोसाइट्स होती है हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और जो वायरसेस हैं उनसे ट्रीट करती है, उनसे फाइट करती है। तो फ्रेंड्स ये जो विटामिन D3 एंड K2 है ये हमारी बॉडी के अंदर जो इन लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन है उनको बढ़ा देता है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाती है। विटामिन D3 है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये लंग की जो स्ट्रांगनेस है उसको इंक्रीज करता है, आपके लंग की जो पावर है उसको बढ़ाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के टाइम में आपको पता है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक आपको ये जो विटामिन D3 है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। एंड फ्रेंड्स साथ में ये दोनों विटामिन मिलके हमारे जो ब्रेन है उसकी तरफ जो ब्लड फ्लो है उसको बहुत अच्छे से इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारे जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम या जो मेमोरी शार्पनेस या लॉन्ग टर्म जो मेमोरी लॉस की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, यहाँ जो मेजर बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको ये प्रोडक्ट है वो क्यों लेना चाहिए एंड आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जिनको आई थिंक आपको फॉलोअप करना चाहिए अगर आप ये प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो आप पहले इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रख ले। लाइक अगर आपके कोई मेडिकेशन या प्री मेडिकेशन चल रहा है, आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फ्रेंड्स आपको ये प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, पहले अपने डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट कर लें उसके बाद ही आप इसको ट्राई करें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, तो भी वो ये प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। एंड फ्रेंड्स ये जो सप्लीमेंट है इसको आप अपनी डिजीज़ को क्योर करने के लिए बिल्कुल भी
कभी ना यूज़ कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सप्लीमेंट हैं, ये आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसी को पूरा करेंगे। आप इसे एज अ ट्रीटमेंट या एज अ कि आप इसे यूज़ करके कोई डिजीज़ को क्योर कर लेंगे वो नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स डिजीज़ के टाइम में आपको एक्स्ट्रा डोजेज है वो लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसको एज अ सप्लीमेंट ही यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है ओजीविया की तरफ से, जो कि आपकी विटामिन D3 एंड K2 की जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छे से पूरा करेगा। बॉटम लाइन ये है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आप ये सप्लीमेंट लेके आप सब कुछ आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रो करेगी, तो फ्रेंड्स सप्लीमेंट के साथ साथ आपकी डाइट, आपका जो आप जो खा रहे हैं, आपका जो डेली लाइफ के अंदर आप जो फूड खा रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए एंड फ्रेंड्स आपको सारे जो वाइटमिन्स हैं लाइक वाइटमिन सी, वाइटमिन D3, वाइटमिन K2 एंड अदर जो भी वाइटमिन है, जितने भी वाइटमिन सबकी आपकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है, सब मिनरल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, तो फ्रेंड्स आपको सबकी तरफ देखना चाहिए, आपको सब चीज़ों को आपस में बैलेंस करके आपको यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस वाइटमिन्स की कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं ओजीविया के जितने भी वाइटमिन उन सबके बारे में आपको डिस्कस करूँगा, आपको उनके बेनिफिट बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप भी सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहते हो, तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर एंड जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा कि आपको कौन सा सप्लीमेंट है वो बाई करना चाहिए एंड क्यों बाई करना चाहिए एंड आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।